Good morning, everyone. So today we are going to start with the Hornbook series of class 11. And today we are going to start with the portrait of a lady by Khushwant Singh, whose main theme is relationship, which is in respect to the changing era. But before starting with the video, if you haven't subscribed my channel till yet, please do subscribe and press all the bell icon to don't miss any of my latest updates. Now in this chapter, Khushwant Singh is actually talking about his own grandmother and how the relationship between him and his grandmother changes with respect to the time. वो इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में इसने यही बताया है कि कैसे कैसे उसकी ग्रैंडमदर से उसका रिलेशनशिप चेंज होता गया विद द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेट अस नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल. So let us now quickly move to the summary of the chapter, The Portrait of the Lady by Khushwant Singh. But before that, the main characters in the story are Khushwant Singh himself as being the grandson and the grandmother. Now इस कहानी में हो क्या रहा है कि पहले चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसकी ग्रैंडमदर जो थी वो कैसी थी बचपन में, कि उनको बहुत खेलती होती रहती थी और वो भी मतलब अपने एक टाइम पे अपने बचपन में एक बहुत ही सुंदर लेडी रही होंगी. बट नाउ व्हेन शी हैज बीन बोर्न आउट बाय ओल्ड एज, नाउ व्हेन शी इज बीन बोर्न आउट बाय ओल्ड एज, खुशवंत सिंह को क्या लगता है कि उनकी कभी वो कभी भी अच्छी नहीं दिखी होंगी लाइफ में. Fine. Now in this entire chapter he is completely describing that how was his grandmother and what was the relationship and how it turned. At the end of the story it reveals about everything that. Now in this story he is highlighting कि उसकी grandmother थी उनकी हमेशा जो मुंह से वो बस prayer को बोलती रहती थी. उनका एक ऊपर stooped उनकी back थी जैसे old age की वजह से कमर थोड़ी ऊपर की तरफ उठ जाती है. सिमिलरली उनकी एक फिजिकल ऐसी हो चुकी थी एंड शी वॉज द वाइट पीसफुल ब्यूटी, मीन्स उसके मुंह पे एक शांति का अनुभव वो हमेशा से करता था. अब हुआ क्या कि खुशवंत सिंह के जो मदर थी एंड फादर दे बोथ यूज टू स्टे इन द सिटी, और सिटी में रहते थे और जो ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह की उसके सारे काम उसकी ग्रैंड मदर ही करती थी. जब उसको सुबह उठाना होता स्कूल के लिए उसके लिए रोटी पैक करती थी. रस्ते में जाते जाते उनके जो स्कूल की जर्नी का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर के लिए. उसमें उनको डॉग्स को खाना खिलाती थी, फिर चैंटिंग करने के लिए मंदिरों में जाती थी, वहां पे उनको टीचर्स से सीखती थी गुरुओं से, और वहां पे फिर घर आके खुशवंत सिंह को वो सारे चैप्टर्स को रिवाइज और पढ़ा पाती थी. फाइन. बट हुआ क्या कि एक टाइम आया जब खुशवंत सिंह का टाइम आ चुका था व्हेन ही हैज टू गो टू सिटी. सिटी बुला दिया गया. किसने? उसके पेरेंट्स ने उसको कहा कि तुम अब फर्दर स्टडीज के लिए सिटी में आ जाओ. एंड दिस वॉज द ब्रेक इन रिलेशनशिप. फाइन. फ्रॉम हियर देयर केम द ब्रेक इन द रिलेशनशिप ऑफ खुशवंत सिंह एंड ग्रैंड मदर, बिकॉज अब जो खुशवंत सिंह था वो ग्रैंड मदर से थोड़ा अलग रहने लग गया था. एंड नाउ ग्रैंड मदर जो थी वो स्पैरोज को खाना डालने में और वीविंग करने में मतलब अपने काम में ही बिजी हो गई थी. उनके हाथों में एक चैंटिंग वाली माला जो थी वो पूरे टाइम बोलती रहती थी. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट कि सिटी में जाने के बाद वहां पर उसको जो टीचिंग दी गई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया गया, इंग्लिश पढ़ाया गया, डांस म्यूजिक सब पढ़ाया गया. अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर पहली बात तो म्यूजिक और डांस इन लोगों के लिए नहीं बना, वो बस प्रोस्टिट्यूट्स के लिए बना. एंड सेकेंडली जो जो लेसन उसको वहां पे पढ़ाए जाते थे अब ग्रैंड मदर जो थी खुशवंत सिंह को लेसन को हेल्प करने में सॉरी पढ़ने में उनको हेल्प नहीं कर पा रही थी बिकॉज वो उसके एक्सटेंट के बिल्कुल बियॉन्ड था. फाइन. तो व्हाट हैपेंड इज दैट कि अब ग्रैंड मदर का जो रिलेशनशिप था कि जो उसको पढ़ा पाती थी और टाइम स्पेंड कर पाती थी अब वो तो खत्म हो चुका था. साथ में वो उसकी स्टडीज में भी हेल्प नहीं कर पाती थी. एंड शी वॉज ऑल्सो अपसेट कि उस स्कूल के अंदर जहां सिटी में वो पढ़ रहा था वहां पे उनको होली टीचिंग मतलब भगवान के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा था. दे वर ओनली गिविंग द सब्जेक्ट रिलेटेड टीचिंग्स टू देम. नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फर्दर स्टडीज इन सिटी नाउ टाइम केम व्हेन ही हैज टू विजिट द यूनिवर्सिटी. अब इसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी में उसका क्या था, एक अपना अलग से रूममेट मिल गया, अपना अलग से घर मिल गया. एट दैट टाइम जब उसकी ग्रैंड मदर उसको मिलने के लिए गई रेलवे स्टेशन पे, उसने उससे बस गले मिला और उसके कुछ नहीं बाय वगैरह कुछ नहीं बोला. एंड शी वॉज जस्ट बिजी विद हर ऑन चैंटिंग एंड ऑल. बट व्हेन वो जब 5 साल बाद खुशवंत सिंह वापिस आया यूनिवर्सिटी से टू मीट हर ग्रैंड मदर एंड हर पेरेंट्स, उसने क्या रियलाइज किया कि ग्रैंड मदर जो थी बिल्कुल बदल चुकी थी. वो बस टू दो काम करती थी पूरे दिन में, एक तो वीविंग करना, चैंटिंग करना और स्पैरोज को ब्रांडेड के अंदर खाना डाल देती थी.
फाइन. सो व्हेन ही वेलकम, वो ग्रैंडमदर की अलग ही खुशी थी. उसने पूरे नेबरहुड में ढोल पीटना शुरू कर दिया कि एक जैसे वॉरियर की होमकमिंग हमारे घर के अंदर हो रही है. बट हुआ क्या कि लास्ट में ग्रैंड मदर की थोड़ी तबियत बिगड़ गई और डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि इनको थोड़ा माइल्ड फीवर है और अब ये ठीक हो जाएंगी. और ये सब करते वक्त ग्रैंड मदर को जो चैंटिंग कर रही थी उस चीज को उनको रोक दिया गया. तो ग्रैंड मदर को क्या लगा कि उन्होंने उस टाइम पे किसी से बात नहीं करी, उन्होंने बोल दिया कि तुम अब जाओ सारे और मैं बैठ के अपनी चैंटिंग करना चाहती हूँ. जो लास्ट टाइम उन्होंने चैंटिंग करते हुए फिर अपनी जो मतलब उनकी जो सोल थी वो उनकी बॉडी से निकल चुकी थी, मतलब चैंटिंग करते करते उनकी डेथ हो गई. एंड एट दैट टाइम उनकी चैंटिंग जब वो मर गए उस टाइम पे जब उन्होंने जो मर गई तो सारे जो स्पैरोज थी वो भी उनका शौक मनाने के लिए वहां पे आई. उन्होंने एक ब्रेड का टुकड़ा वहां से नहीं खाया. एंड इट वॉज लाइक कि उनको भी उस बात का दुख है कि उनकी ग्रैंड मदर भी उनको रोज खाना डालती थी वो भी अब वहां से चली गई है. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी बाय खुशवंत सिंह विच डिस्क्राइब द चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड सन. Now we will move to some of the important questions. So let us now start with the question first of all. So let us now quickly move to some of the important questions of the portrait of the lady by Khushwant Singh. So here we go. First question, how was the narrator and the grandmother good friends in the village? Now here we have to highlight the fact ki kaise grandmother usko roz subah utha ke usko taiyar karke, and you have to discuss the entire journey of their from home to the school. Ki wo dogs ko khana khilate the, fir teachings karne ke liye temples bhi jaate the, and you have to explain all that thing. कि घर आके फिर उसको लेसन भी सिखाती थी ग्रैंड मदर किसको खुशवंत सिंह को. फाइन, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप. नाउ हियर वी हैव टू हाईलाइट द फैक्ट दैट टर्निंग पॉइंट वाज व्हेन खुशवंत सिंह वेंट टू द सिटी फॉर हिज फर्दर स्टडीज. जैसे वो स्टडीज में गया उसके बाद उसका एक ब्रेक था जो कॉमन फ्रेंडशिप का वो ब्रेक हो चुका था. ग्रैंड मदर जो थी वो अपनी लाइफ में बिजी हो चुकी थी विद स्पैरोस को फीड करने में या फिर वीविंग करने में या फिर चैंटिंग करने में वो बिजी हो चुकी थी. उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी चला गया तो फिर एक जो कॉमन कॉन्टैक्ट था कि वो साथ रहने का आते थे वो भी टूट चुका था क्योंकि उसने अपना एक अलग से घर ले लिया था. फाइन, व्हाई वाज द ऑथर ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद दिस सिटी एजुकेशन. नाउ हियर यू हैव टू हाईलाइट दैट सिटी एजुकेशन में उनको बस आर्गुमेंट्स प्रिंसिपल इंग्लिश ऐसे लेक्चर दिए जाते थे जिसमें ग्रैंड मदर उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी. साथ में यू हैव टू हाईलाइट कि उनको कभी भी भगवान वगैरह की टीचिंग्स या होली टीचिंग्स देना बंद कर दिया गया था और उनको म्यूजिक और डांस की टीचिंग दी जाती जो हैंडलॉर्ड्स या फिर प्रोस्टिट्यूट्स को देनी जानी चाहिए. What was the happiest moment of the day of grandmother? Now happiest moment वो होता था जब वो बैठ के स्पैरोस को खाना खिलाती थी, मतलब when she used to spend time with herself and it was all about herself only. कि चैंटिंग करना पूरा दिन, वीविंग कर दिया या स्पैरोस को खाना खिला दिया, लेकिन उस सारे मोमेंट्स के अंदर खुशवंत सिंह का कोई भी रोल अप नहीं रह गया था. She was all alone. How did the grandmother celebrated the homecoming and what was happened at the end? उसने क्या करा लास्ट में डिलैपिडेटेड ड्रम को बीट करना, मतलब जो फटाफट ड्रम था उसी को लेके वो बजाने लग गई. शी वाज वेरी हैप्पी. पूरे नेबरहुड में उसने श्योर कर दिया कि मेरा ग्रैंड सन जो है 5 इयर्स के बाद यूनिवर्सिटी से मेरे से मिलने के लिए आ रहा है. एंड व्हाट हैपेंड एट द एंड कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई. डॉक्टर्स ने कहा कि माइल्ड फीवर है, ठीक हो जाएगी, बट शी रिफ्यूज एंड उसको लगा कि अब चैंटिंग करने का टाइम आ चुका है. नाउ शी विल क्रॉस टू ऑब्लिवियन. उसने फिर शांति से अपनी चैंटिंग कर दी और उसके चैंटिंग करते करते मूड रुक गया एंड ऑल केम टू द साइलेंस एंड दिस मार्क द डेथ ऑफ द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी बाय खुशवंत सिंह. होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो.